मॉर्निंग जी, चलो चलते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करिए यार हम काम पे। चलो जी, बजरंग बली का नाम लेके निकलते हैं। चल बेटा चले। काले अबे अंडा नहीं खा रहे हो, ये कैसे हो गया बेटा जी? गजब बात है, खा लेना, मेरे को पता खा लोगे, बाद में खा लेना। अभी चाय पी रहे हैं यहाँ पे और अपना खाते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दीपक ने कल रात को क्या बोला था, उसके डायलॉग्स क्या थे, ठीक है? फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितना झूठ बोल रहे हैं लोग। कल सुबह 5:30 बजे तेरे को लेने आ जाऊँगा, ठीक है? आ जाना, ठीक है ब्रो। रात को क्या कहा था? अबे रात हो गई ना, टाइम रात को क्या कहा? टाइम है, रात के बिना वीडियो है मेरे पे। तुम बेटा 5 बजे बोला था। हाँ तो कहाँ थे तुम? कहाँ था 5 बजे? मैं नहा रहा था। जाओ, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? खाओ इधर। अभी उधर से आ रहे यार। किधर से? बोलना चाहिए आप पहले, यहाँ से क्रॉस। 4 साल के बाद कहाँ आ जाओगे? 9 ब्लू ब्रिज, 3+1 रूम सेट है, 2 वॉशरूम या 35,000 लेना हो किसी को ले लेना भाई। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी सीरियस कैंडिडेट, लास्ट 97 डेज आर लेफ्ट एंड दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स ग्रेट ब्रो, ब्रो, यस यस, वेरी गुड। हाँ जी यारो, फिर असी पहुँच गए अपनी लाइब्रेरी में और उसके बाद पहला तो यार देखो ये सीधी बात है, 5-7 2-4 मिनट लग जाते हैं, 5-7 तो नहीं, सेटिंग बनाने में कि सारा सामान निकाला। उसके बाद हम याद करते हैं बजरंग बली को, थोड़ा सा उनका नाम लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। टाइमर अगर अपन ने शुरू की, देखते हैं कितनी देर लगेगी। द फर्स्ट सब्जेक्ट विच आई पिक्ड वॉज पॉलिटी। पॉलिटी का मेरे को कुछ आगे पीछे करना था, अभी तो यूटीज वाला देख रहा था मैं, तो मैंने कहा चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं जितनी जल्दी हो सके, उसके बाद हम आगे करेंगे। उतनी देर में मेरे को लगा है थोड़ी नींद सी ना आ जाए, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, और भूख भी लग रही थी, पोहे से क्या पेट भरता है ना। तो उसके बाद एक मैं पहले हमेशा फ्रूट्स रखता हूँ अपने पास थोड़े थोड़े से, तो एक बनाना मैंने निकाला, मैं कहा चलो खा लेते हैं इसको भी। उसके एक घंटे बाद महाराज आ गए हैं, कहा खाना खाने चल लो। मैं कहा चल भाई पॉज करने थे पहले, यहाँ करा अपन ने पॉज और निकल गए भाई। अभी हरकत करी ना, दीपू गया था, अभी देखना दीपू आएगा और मेरे उसके वर्डिंग्स में गरी आएगा वो, इसलिए क्यों एक और बंदा था उसमें देख लिया और लाइब्रेरी में हंस पड़ा दीपू ने तो 2 गालियां दी मेरे को। कह रहा यार ये क्या बात है, अभी आने दो दिखाऊंगा तुम्हें। आ गया भाई, अभी गारंटी है गरी आएगा, चेहरा ही देख लो भैया चलो जी चलिए खाना खाते हैं अपन, और खाना खा के फिर वापस से लगेंगे अपने टारगेट पे, ठीक है जी? है दीपक सो, ठीक है चलो चलो भाई। खाना हो गया डन, धूप 10 मिनट की, 5 मिनट की अपनी वॉक कर रहे हैं, और कोई ना कोई टिप देना चाहेगा ये फ्री के लिए? यार वही नहीं, 97 डेज बचा हुआ, जम के रजो और क्या। नहीं टिप क्या है, ये तो सबको पता है, तुम्हें कल्ले को पता है 97 डेज रहे। वही बोले टेस्ट रिज लगाओ जितना लगा सकते हो। मेरे जो मेरे को लगता है मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए भाई, अगर तो करंट अफेयर्स तुमने नहीं करे अभी तक, नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, देन डोंट गो विद मंथली मैगजीन्स, अब गो विद PT क्लासेस। नहीं भी लगानी, पढ़ लोगे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और उसमें से स्टैटिक रहने देना, बहुत स्टैटिक मिलेगा उसको, तुम जो एक्स्ट्रा होगा ना उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना अगर होंगे तो। ये मेरी तरफ से आज की टिप रहेगी, हर दिन हम ट्राई करेंगे, कोई ना कोई जो हमें भी सीखने को कहीं से भी मिली होगी वो भी शेयर करें, बट ये चीज़ मेरे को लगता है कि कर लेनी चाहिए। बैक टू लाइब्रेरी आके मैंने कहा चलो अब सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे थोड़ी मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए निकाला अपन ने कुछ पुराना अपना दूसरा नोट, और मैंने कहा कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ें थी छोटी मोटी जो मेरे को लगा कि यहाँ पे मैं ऐडअप कर सकता हूँ या फिर क्या है, तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे करता हूँ, और अपने नोट्स में ही जो मेरे पहले से भी वेल रिटन थे उसी में मैंने ऐड कर लिया। और ऐसा भी होता है, मैं ना अपने कुछ पुराने नोट्स को भी कट शॉर्ट कर लेता हूँ जब मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, इसी बहाने राइटिंग भी हो जाती है और आदत भी हो जाती है। भाई टाइम हो गया है 4,
और मेरे हिसाब से अब तक 6 के आसपास हो जाना चाहिए था टाइम, 5 कुछ है। चलो कोई ना, आज थोड़े कपड़े वगैरह भी निकालने थे सुबह तो उसमें टाइम लग गया। पीते हैं अपन चाय और टाइमर लगा तो 4 देख लिया ना, अब देखते हैं कितनी देर लगती है चाय वगैरह पी के यहाँ पे वापस आने में, ताकि टाइम कट करें और एंड देन वापस बैक टू स्टडीज़। पिछली बार से तो ज़्यादा निकालना ही है इस बार। मेरा टाइम ख़राब करने में ना सबसे तगड़ा काम है दीपक सौ का। 3 मिनट तो यहीं हो दिख जाएंगे क्या, 3 मिनट तो यहीं हो गए हैं खड़े खड़े आनीरा बाहर। इतना में आधा तो नहीं, हाँ 0.4 रास्ता कवर हो जाता है, 0.3 0.4। देखते हैं, आ ही नहीं रहा। कौन सा बंदा जो नहीं जाता, पॉलिटी रिवीजन कर ले भाई चल। वो देखो टेरर रिज्यूम, यहाँ से नीचे को गिरे जा रहा है। कहा था ना कल दिन, मैं कहा यहाँ पे टेंशन रहती है। वो तो भाई चाय पे एक जुगाड़ मिल गया है, उसमें चक्कर ये है जो छोटा वाला कप है ना वो आता है अपना 8 रुपये का, ठीक है। ये बड़े वाला आता है अपना 12 रुपये का और पैक करता है 12 वाला। और जब ये पैक करते हैं ना तो इसमें पता नहीं क्यों या क्या है, वो उसकी मेजरमेंट अलग है थोड़ी, वो किसी और चीज़ से पैक करता है, तो वो अपने को मिल जाता है अराउंड 1.75 टाइम्स इस कप का। तो जहाँ हमें 8 रुपये में गेम चलती, 8 × 16 अपन 12 में निकाल लेते हैं। दिस इज नोन एज एफिशिएंसी। अरे बनिया बुद्धि, एन एफिशिएंट वर्कर। मैं बनिया नहीं हूं ना वैसे, तारो मैं हूं ना एफिशिएंट वर्कर ब्रो, एफिशिएंट वर्कर। ऐसी तो जरूरत है, हां भाई कम रिसोर्सेज में आप कैसे काम करोगे, एक्सपीरियंस आया उतना लॉस खा के आया। ये जुगाड़ मिल गया भाई, एक अब तो ये सिस्टम ठीक है। ये देख लो भाई साहब, इतना गर्म अबे इतना कैसे झेलेगा लाइफ भाई, लो गिरा ना दियो, दूसरा कब दे भाई गिरेगा। एक कप हो गया, उसके बाद भी इतनी बच गई है भाई, ये बेनिफिट है। 4:31 एंड लेट्स गो बैक, मतलब 30 मिनट तो आज अगली दिन 20 से ऊपर नहीं लगना चाहिए यार। आने के बाद एक बार थोड़ा हिंदू एनालिसिस भी देखा और थोड़ा पढ़ा, फिर टाइम हो गया था यार, तो फिर खाने के लिए निकलना था। लाइट्स करी ऑफ भाई साहब, मजा आ गया गाना भजन सुन के हैं। बजरंग बली तो हर जगह है। खाने के बाद ना आजकल पता नहीं क्यों मीठे की थोड़ी क्रेविंग हो रही है यार। भाई जलेबी एक नंबर है, कैसी लग रही है? ठीक तो लग रहा है। इसी जलेबी ने पिछली बार बीमार कर दिया था बेटा, इसने नहीं दूसरी जलेबी थी, तेरा भाई बीमार नहीं होता पर बड़े बुरे हाल हो गए थे भाई। चलो अब क्लास है मेरी अभी, अगर लगती है तो वो, नहीं तो फिर अपनी पढ़ाई। भाई मेरे को लग रहा है कि मैंने क्लास लगाई हुई है, तो आई नीड टू गो टू माय रूम एंड चेक। चल रहा है? आई विल कम एट 10। ओके ओके कम ऑन भाई, अब रश करना पड़ेगा नहीं तो क्लास मिस हो जाएगी। पर मेरे को 99% श्योरिटी है मैंने ये वाली क्लास अटेंड करी हुई है, बट एक्सीडेंट हो गया था तो बहुत पुरानी, एक और क्लास रिपीट हुई है तो आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं तो बिना बात के इस पर क्यों टाइम वेस्ट करना, मैं अपने दूसरे उस पर इन्वेस्ट कर दूंगा उसी टाइम को। अंधेरा पता नहीं किस चक्कर में हो गया आज, यहाँ कोई लाइटें लुटे इधर की साइड जल नहीं रही लाइब्रेरी के आगे, बस अब मैं रूम निकल रहा हूँ फिर करते हैं बात। सगे भाई बड़ा गॉट टू नो करी हुई है क्लास, टाइम बच गया कहीं और लगा लेंगे। अब हिस्ट्री पढ़ता हूँ थोड़ी सी यार, हिस्ट्री के बाद अगला पढ़ेंगे कुछ। चलो लेट्स गो, देखें कितनी देर होगी वैसे अभी तक। एक दिन तो इट्स बीन 7 आवर्स अपने पे टाइम है अभी, आराम से 9:30 तक ले देंगे इसको आज, पिछली बार से बेटर। बट व्हाट आई वांट उससे थोड़ा सा कम, वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे आज नहीं तो कल, पर कल से ज़्यादा नहीं पास आ गया प्रिलिम्स। चलो जी करें आगे। यार मेरे को ना एकदम से ध्यान में आया कि मेरे पास कोई ना कोई नोट एक मेरा मिसिंग हो रहा था। मैंने कहा यार पहले वो सारा ढूंढता हूँ, फिर आखिरी में जाके मेरे को मिला वो नोट। देन उसके बाद मैंने वापस अपनी पढ़ाई पे शुरू करा, मैंने कहा अब एंशिएंट भी देख लेते हैं। इसके बाद मेरे को PYQs देखने थे यार मैंने, क्योंकि ना PYQs के साथ एक बार रिवाइज करते हुए देख ले जाता है कि अगर बाय एनी मीन्स कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा हो तो हम उसका एनालिसिस करके वापस से डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी देखे थे। तो मैंने कहा चलो कोई ना एक और बार देख लेता हूँ। तो कौन आया आज हमारे यहाँ रुकने के लिए साथ में? याद आया भाई बाहर कपड़े रखे हुए हैं, कपड़े अंदर कर दूँ, आज मौसम बहुत ठंडा चल रहा था, मैं कपड़े कर देते हैं अंदर।
इसके बाद यार एक मैंने मतलब वैसे तो मैं जनरली कोई ऐसा ग्रुप सेशन इनॉल्व करता नहीं हूँ, बट हाँ इस बार मेरे को दीपक की हेल्प भी चाहिए थी तो उसने मेरे को हिस्ट्री में हेल्प आउट भी कर दिया। कई चीज़ें ना यार उसने पहले कई टाइम पहले पढ़ी हुई हैं, और कुछ कोड्स बनाता है, कुछ फ़नी तरीके से बताता है तो वो याद करा देता है। इसमें भी देख रहे होगे हम हंस भी रहे हैं बीच में, तो जब भी वो कोई आंसर मेरे को बता रहा होता तो हंसी आ जाती थी मेरे को, मैं कहता तूने इस तरीके से कैसे याद करा हुआ है। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। 11:56 हो गया एंड अपना टाइम दीपक के साथ आज थोड़ी अच्छी हो गई है। 9:33 एंड वी आर स्टॉपिंग इट राइट नाउ एंड वी आर गोइंग टू स्लीप। बस अब एडिट करूँगा तो लगा लो आधा घंटा और तुम लोग देखोगे। ठीक है जी, तो फिर अब बस अब एडिट करेंगे। हैं दीपू, सोना नहीं आज? ज़्यादा सोते हैं, सुबह अर्ली उठ रहा है। हिस्ट्री दीपक ने बहुत हेल्प करी है भाई, मतलब हंसा के भी समझाई, याद कराई है, अपने कुछ कोड वगैरह बताए हैं, तो इट्स गुड। क्योंकि हिस्ट्री को करना पड़ता है यार, कई चीज़ों को रटना भी पड़ता है। फिर मैंने पी वाई क्यूज़ भी देखे हैं तो चलो अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी वाई क्यूज़ पहले भी देखे हैं तो अब जो एक दो चीज़ें अगर कुछ मैंने नहीं लिखी थी तो ऐड कर लिए। नो आई एम वेरी स्लीपी। नमस्ते, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, मिलते हैं अगले दिन।